हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको ए लाइन कुर्ती बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमने ये 2 मीटर लाइनिंग और 2 मीटर ये कपड़ा लिया है। तो ये मेरा प्रिंटेड कपड़ा है और ये बेंगलोरी साटन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो कपड़ा है इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट पार्ट हमारे अलग अलग निकलेंगे। तो इसको हमारा जैसे 2 मीटर कपड़ा है तो इसको हम एक एक मीटर में बांट देंगे। तो यहाँ से हम बीच से इसको सीधा कट कर देंगे, क्योंकि बैक और फ्रंट पार्ट हमें अलग अलग कट करनी है। और जो ऊपर का जो हमारा ऊपर का चोली वाला कपड़ा है ये 2 पार्ट में बनेगा। तो ये मैंने एक कपड़ा अलग हटा दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें से अपना बैक पार्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारे अलग से चोली अटैच होगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले लंबाई देखेंगे। तो ये स्लेक्स के साथ बनेगा, तो आप इससे लॉन्ग भी बना सकते हैं अपने अनुसार। तो मेरे पास इसकी जो तैयार लंबाई है वो 43 इंच है, तो इसमें मैं 42 इंच का तैयार रखूंगी और 1 इंच कपड़ा है जो मेरा वो मैं नीचे फोल्ड कर दूंगी। तो अब उसके बाद यहाँ से हम अपना तीरा लेंगे इस साइड से। तो यहाँ से सबसे पहले तीरा लेंगे, आपका जितना भी तीरा है उसका आधा लेना है आपको। तो मैं ले रही हूँ इसमें 7 इंच का तीरा, और जो आर्म होल है वो भी हमको 7 इंच के लेने हैं। अब यहाँ से देखो, जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 15.5 इंच। अपनी जो हमारी चौड़ाई होती है उससे ज़्यादा लेनी होती है लाइन कुर्ती में, क्योंकि हमें नीचे शेप देनी होती है बॉटम की साइड, वरना हम नॉर्मल कुर्ती में 11 या 12 इंच रखते हैं बस, ज़्यादा नहीं रखते। ब्रेस्ट का 1/4 भाग लेना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हमारे 36 है तो आएगा 9 इंच, और 9 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा तो 11 इंच। अब यहाँ से 7 इंच नीचे लगाएंगे हम कमर का निशान, और 12 इंच नीचे लगाएंगे हिप का निशान। अब यहाँ से जो हमने ये वाला निशान लगाया है यहाँ से हम लेंगे 10 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम ऐसे मिलाएंगे आपस में, और साथ के साथ जो फिटिंग की सिलाई लगेगी इसको भी इसी से मिलाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, जो हमारा ए लाइन में कपड़ा है इसको यहाँ से इंच टेप रख के और यहाँ से कोने से सीधा कट करना है हमको इस तरीके से, ऐसे। और देखिए, जो इसकी बॉटम वाली साइड है यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी है आपको, ज्यादा नहीं देनी, हल्की सी गोलाई देनी है। और उसके बाद इसमें आप जो भी कलर रखना चाहती हैं वो आप अपने अनुसार रख सकती हैं। तो मैं इसमें चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और गहराई मैं इसमें 6 इंच रख रही हूँ। यहाँ से भी 3 इंच, और दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे और करीबन 1/2 इंच की गोलाई देंगे राउंड में। तो ये मेरा बैक गला होगा। अब यहाँ से कटिंग कर देंगे इस बैक पार्ट की। कपड़े को थोड़ा सा घुमाएंगे, 1/2 इंच का तीरा डाउन करना है इस साइड, और यहाँ से इस तरीके से गोलाई डाल देंगे। और फिर यहाँ से हम कटिंग करते हुए ले जाएंगे, और जैसे हम अपनी ये वाली पीस कट कर रहे हैं लाइनिंग को भी सेम हमें इसी तरीके से कट करना होगा। जिसकी लाइनिंग है इन्हीं पार्टों को रख के लाइनिंग की भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई डाल देंगे इस तरीके से, बस। अब देखिए, हमारा ए लाइन कुर्ती इस तरीके से होगी, नीचे से खूब सारा गहराएगा इस तरीके से। अब उसके बाद जो इसका फ्रंट पार्ट है हम उसको कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो जो हम इसमें ऊपर की चोली लगाएंगे यानी कि टॉप पार्ट होगा वो हमारा 14 इंच का तैयार होगा, जिसमें हम 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हमारा टोटल 15 इंच होगा। अब यहाँ से भी 15 इंच में निशान लगाएंगे, यहाँ से सीधा निशान लगा के, और इसको हम
अलग कर देंगे, कटिंग कर देंगे। अब यहां से भी ऐसे ही उसका लगाएंगे तीरे का साथ ही, जैसे हमने अपने फ्रंट आर्म होल में लगाया था। यहां से भी आर्म होल 7 इंच, यहां से भी ब्रेस्ट का फोर्थ भाग, जैसे हमने 9 इंच लिया था तैयार, 2 इंच एक्स्ट्रा 11 इंच। यहां से भी हमारा कमर की साइड से 10 इंच। और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला के फ्रंट पार्ट में सिर्फ 1/2 इंच गोलाई देनी है। 1/2 इंच का तीरा डाउन करना है और यहाँ पे भी हम राउंड गला बनाएंगे 3 इंच और 6 इंच। यहाँ से 3 इंच ऐसे और इस तरीके से गोलाई डाल देनी है। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। टू लेयर में रखा है, ये ध्यान रखें सिर्फ हमारा फ्रंट पार्ट ही निकलेगा इसमें से। देखिए हमारा ये वाला हिस्सा कट चुका है। अब हम जो हमारा ये हिस्सा है इसको रख के यहाँ तक, और यहाँ से हम ऐसे ही सीधा निशान लगाएंगे, देखिए नीचे तक। और इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे ज्वाइंट करना होगा। जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए, तो वो हम इसमें अंदर की साइड अलग से पट्टी लगाएंगे, वो आपको मैं सिलाई करते टाइम बताऊंगी। अब यहाँ से भी इसकी हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सीधा ऐसे चलते हुए कटिंग कर लेना है इसको। तो देखिए मैंने लाइनिंग को भी ऐसे ही बिछा लिया है, आप देख सकते हैं। और लाइनिंग को भी सेम मैं इसी तरीके से कटिंग कर दूंगी, यानी कि जैसे हमारा ये वाला कपड़ा कटिंग हुआ था ये प्रिंटेड, उसी तरीके से लाइनिंग कट करेंगे दोनों की, यानी कि बैक की भी और फ्रंट की। अब देखिए मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। तो सिलाई बताने से पहले हम सबसे पहले अपना फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो देखिए ये मेरा ऊपर की जो टॉप पार्ट था वो है। अब इसको हमें उल्टा रखना है लाइनिंग के ऊपर, सेंट फुट की लाइनिंग है, तो उल्टा रख के इसको और उल्टी साइड से हम सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई हमें गले के ऊपर लगानी है। देखिए बिल्कुल बराबर बराबर करके, अगर हमारा लाइनिंग थोड़ा बहुत कहीं से एक्स्ट्रा है तो वो हो जाता है, उसे बाद में हम कटिंग कर लेंगे। और आप तो गला अपनी पसंद से भी बना सकती हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो अच्छे से बिल्कुल इसे यहाँ से सिल लेंगे हम बिल्कुल बराबर करके। अब उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। और फिर इसको हम ऐसे सीधी साइड को पलट देंगे। देखिए अब ये हमारा कपड़ा सीधी साइड को आ चुका है। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से बिल्कुल बराबर करके गले को। आप चाहें तो लेस का भी इसमें यूज कर सकती हैं, आप लेस भी लगा सकती हैं। और फिर जो इसका टॉप पार्ट वो नीचे का बॉटम पार्ट है उसको चारों तरफ से सिल लेंगे लाइनिंग को और इस कपड़े को, ताकि आपस में ये जम जाए इधर उधर को ना खिसके। और ऐसे ही हम चारों तरफ से अपने इस वाले कपड़े को सिल लेंगे। तो देखिए मैंने गले के ऊपर सिलाई लगा ली है, अब इसकी चारों तरफ सिलाई लगा देंगे यहाँ से। अब जो एक्स्ट्रा होगा हमारा लाइनिंग उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो इसको हम इसी तरीके से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे, फिर हम इसमें आपको पट्टी लगाना बताएंगे। अब देखिए इसके चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है नीचे और आर्म होल पे भी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक सीधी पट्टी लेंगे और सीधी पट्टी के हम 2 पीस करेंगे इस तरीके से। 2 पीस करने के बाद अब इन पीसों को हम यहाँ से आगे से सिलेंगे, जैसे हम
डोरी के लिए नाड़ा सिलते हैं, उसके लिए नेफे के लिए सिलते हैं। इस तरीके से हम इन पे सिलाई लगाएंगे दोनों छोर के ऊपर, ये वाला भी और दूसरा वाला भी। अब देखिए मैंने ये दोनों सिल लिए हैं आपस में। अब हम सेंटर का निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे सेंटर में। सेंटर में कट लगाने के बाद अब जो हमने ये सिला है इसको हम ऐसे उल्टा रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब जो हमने एक और पीस सिला था उसको भी हम ऐसे उल्टा ही रखेंगे बिल्कुल सेंटर में ही इस तरीके से, और सिलाई लगाते हुए लाएंगे। यहाँ पे हमारी डोरी डालेगी, फिर उसके बाद देखिए इन दोनों पीस को मैं ऐसे फोल्ड करूंगी अंदर की साइड फोल्ड करके, और थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए ये सिलने के बाद यहाँ से अब इसको हम इस तरीके से सीधी साइड को फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से सिलेंगे इसको ऐसे। बिल्कुल बराबर करके जब हमारी डोरी डल जाएगी फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेस लगा देंगे। अब जो दूसरा पार्ट है उसको भी बिल्कुल इसी के बराबर फोल्ड करके हम तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें ऐसे सिलने के बाद हमने अब उसके बाद नीचे और ऊपर दोनों साइड लेस लगा के और यहाँ पे भी लेस लगा लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब उसके बाद देखिए जो मेरा ये नीचे का बॉटम था इसी का, इसको भी हमने इस तरीके से चारों तरफ से सिल लिया है ताकि हमारा ये कपड़ा अच्छे से जमा रहे। अब सबसे पहले देखिए हम इसे बॉटम की साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और हम बॉटम की साइड ये है इसकी, तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे कि हम इसे कितना खुला रखेंगे। तो हम यहाँ से निशान लगाएंगे 15 इंच पे, यानी कि 15 इंच तक हम इसको खुला रखेंगे, और वहीं से हम इसे सीधा कट कर देंगे बिल्कुल सेंटर से। इस तरीके से कट करने के बाद अब यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे, तो हमने ऑरेंज में पट्टी कट की हुई है, यहाँ से हम लगा के उसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। अगर देखिए आपके पास ऑरेंज में नहीं है पट्टी तो आप सीधी पट्टी कट करके भी लगा सकती हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगी किस तरीके से लगाना है। तो देखिए कटिंग से 1 इंच ऊंचा रखें इसको ताकि हम इसे फोल्ड कर सकें, और यहाँ पे सिलाई लगानी है बिल्कुल बराबर करके लाइनिंग के साथ भी और इसके साथ भी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे, और देखिए दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही रखेंगे सीधी पट्टी, और इसको भी इतना ही ऊपर रख के और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। अब देखिए लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे उल्टी साइड को फोल्ड कर देंगे ऐसे,
दोनों साइड से करना है हमें ऐसे ही। तो इसको हम फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए मैंने ये पूरा सिल के तैयार कर लिया है, नीचे से जितना हमारा ये खुला रहेगा आप देख सकती हैं। अब उसके बाद हमारा जो ऊपर का कपड़ा है इसके साथ हम अपना ये वाला कपड़ा अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये नेफे का कपड़ा है ये थोड़ा सा दबेगा, बाकी खुला रहेगा। तो इसको ऐसे हम उल्टी साइड को रखेंगे इस तरीके से, और ज़्यादा नहीं दबाना है। आप ध्यान रखें वैसे नेफा हमारा ऊपर है जहाँ से हम डोरी डालेंगे, और सिलाई को एकदम आपको बराबर लगाना है, यानी कि आपकी जो सिलाई है वो कहीं से भी छोटी या बड़ी ना हो। अब देखिए मैंने ये रेडीमेड डोरी ली है, आप चाहें तो बना के भी लगा सकती हैं। तो इसको मैं बीच से बराबर से कट कर दूंगी इस तरीके से। कट करने के बाद अब जो इसकी लटकन वाली साइड है ये हमें यहाँ लानी है आगे, और यहाँ से सेफ्टी पिन से हम यहाँ तक डाल देंगे, फिर इसकी फिटिंग करेंगे। तो देखिए आपको डोरी के अंदर सेफ्टी पिन को ऐसे ही डालना है जैसे हम अपना कोई भी सलवार के लिए नाड़ा वगैरह डालते हैं, इलास्टिक डालते हैं। इस तरीके से डालने के बाद अब हमें यहाँ से डालना है ये, ताकि हमारा जो लटकन है वो इस साइड ही आ जाए। तो इसको हम ऐसे डाल के, और यहाँ पे जो हमारे जॉइंट खुल गया है इसका, इसको हम सिल देंगे यहाँ पे। यहाँ से हम अपनी कुर्ती को टाइट और लूज कर सकते हैं। तो देखिए ये निकल आया है इस साइड। अब यहाँ से इसको हम इस साइड से पक्का कर देंगे। अब उसके बाद हम दूसरी साइड भी ऐसे ही डालेंगे। यहाँ पे ये डल चुकी है और उस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम कोई भी नॉट बना के और इसको यहाँ से टाइट करके, तो ये हमारा फ्रंट साइड में इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए एक तो इस साइड ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये डोरी वाला हिस्सा ये ना दबने पाए, इस तरीके की कोई भी थोड़ा ऊपर करके पतली लेस लगा देंगे ताकि इसका डिज़ाइन और अच्छा लगे। सकते हैं फ्रंट साइड से ये हमारा इस तरीके से हमारी इसमें प्लेटें आ जाएंगी जब भी हम इसे पहनेंगे। और उसके बाद मैंने दोनों साइड को लेस लगा ली है। आप देख सकते हैं कि इसका जो लुक है वो एकदम से चेंज हो गया है, और यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब उसके बाद हमारा इसका जो बैक पार्ट था उसको भी मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, तो बैक और फ्रंट पार्ट दोनों आपस में जॉइंट कर देंगे, तीरा जॉइंट कर लेंगे यानी किट का। अब देखिए इनके आर्म होल पे हम, आप बाजू लगाना चाहते हो बाजू लगा सकते हो, लेकिन मैं इस पे और एक पट्टी लगा के इनको भी तैयार कर लूँगी। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर हम आपको इसकी फिटिंग करना बताएंगे। अब ये देखिए मैंने आर्म होल पे और में पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी। तो फिटिंग आप अपने अनुसार कर सकती हैं, आप जितना भी लूज या टाइट पहनती हैं। तो मैं जैसे अपनी नॉर्मल फिटिंग रखती हूँ उसी तरीके से मैं इसकी फिटिंग करूँगी। यहाँ से अच्छे से कपड़े को हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद जैसे हम गोलाई में हर कपड़े को करते हैं इस तरीके से लाएंगे सिलाई को, और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे। ऐसे करने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और फिर जो इसकी दूसरी साइड होगी वहाँ पे भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, और फिर जो इसका बॉटम है उसको फोल्ड कर लेंगे हम। जैसे हमने एक इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया था तो उसको हम फोल्ड कर लेंगे, फिर हमारी कुर्ती एकदम से बनके तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इस पे पूरे पे सिलाई लगा लूँगी नीचे तक। ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी कुर्ती आपके सामने बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकती हैं। अगर आपको ये टाइट करनी है तो आपको ये डोरी खींच के और ऐसे बीच में नॉट लगाना होगा। तो आप देख सकती हैं कि इसका लुक है जो वो कितना प्यारा आया है,
और जो इसका नीचे का बॉटम है वो मैंने अभी फोल्ड नहीं किया है, क्योंकि मैं इस पे ऐसे ही बॉर्डर लगा के और लेस से लगाऊंगी। आप अपने अनुसार उसको डिजाइन कर सकती हैं। तो मेरी ये कुर्ती एकदम से बन के तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुर्ती ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।